एल नोट कर लिए, एल नोट कर लिए, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। एल क्या है? डिफ्लेक्शन। हमें डिफ्लेक्शन पता चल गया क्योंकि मेरा सवाल यही था कि डिफ्लेक्शन डबल हो जाए तो मास क्या होगा, डिफ्लेक्शन डबल हो जाए तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। तो प्रैक्टिकल में हम क्या निकालेंगे? डिफ्लेक्शन, और उसे क्या पता करेंगे? मास और स्पेसिफिक चार्ज। अब इधर आ गया, अब मान लो नेगेटिव वाले हों तो उधर बैठे कुर्सी लेकर, अब नेगेटिव वाला ये इधर आके टकराया यहाँ पे, और जैसे यहाँ टकराया तो बच्चों यहाँ भी डिफ्लेक्शन आ गया एल। अब वाट एवर, हम किसे देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव को देखना चाह रहे हैं कि नेगेटिव को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल के नहीं जा रहे हैं, दोनों के रास्ते अलग हो गए। आप एक को ले लो, चलो इधर वाला ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब बच्चों इधर उधर मैंने बीच में हटाया, अभी साइड में ले आया, और अब आपको बताने की कुछ ज़रूरत है, आप लोग कुछ हमें इंफॉर्मेशन देना। फॉर पॉजिटिव आयन, डिफ्लेक्शन मेजर किया गया बराबर एल, एल बराबर 2 × रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस आर बराबर एल बाई टू। बात समझ आया? रेडियस क्या है? एल बाई टू है। ये डायमीटर है ना, क्या ये डायमीटर है कि नहीं है? तो डायमीटर है तो आर का मान क्या होगा? डिफ्लेक्शन का आधा। पहले तो रेडियस निकालना, अब आर का मान आ गया। आर का मान आपने पढ़ा है, कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिए, जिसमें आयन का मास आ रहा हो, या कॉपी में मत देखिए आप, पता नहीं आपको याद रहेगा कि नहीं, आप ऐसे लिखो एम वी अपान क्यू बी बराबर एल बाई टू। आर का मान एम वी अपान क्यू बी सबको पता रहता है, आप उसी को लिख लो। अब बच्चों अब मैं लिखता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाना। अब ये एम अपान क्यू हो गया, बी हो गया, और वी का मान जो हम लोग पढ़ा है ना, अंडर रूट 2m और k, और k की जगह ना आपको लिखना है चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि ये वोल्टेज वाला केस है, वोल्टेज वाला आखिरी वाला था जब मैं आपसे बोल रहा था, तो आपको क्या पढ़ना था? आखिरी वाला पढ़ना था, तो आखिरी वाला पढ़ देते तो इतना टाइम बच जाता, और नहीं तो फिर अब तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, लगा ही रहा हूँ, देख रहे हो आप। एल बाई टू हो गया, चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। बच्चों स्क्वायर कर दो, चल जल्दी से तेज़ी से स्क्वायर करो, तो एम अपान क्यू बी और वी का मान हुआ अंडर रूट 2m के, और के बराबर क्या है? क्यू बी, इतना सही है। अब अगर हम स्क्वायर करें, या एक एक मिनट थोड़ी देर रुक के तब स्क्वायर करते हैं, मैं यहाँ पे अंडर रूट को अंदर ले जाऊँगा, बोलो v का मान मेरे को एम वी का मान लिखना था, यहाँ पे थोड़ा ठीक करने दो, कुछ सही करने दो, बताता हूँ, थोड़ा स्टेप और बढ़ाएंगे। चलो एम वी माने पी बराबर हो गया अंडर रूट 2m के, 2m के माने क्यू इंटू वी अपान क्यू बी, समझ गए ना, एफ पी अंदर ही रहेगा। अब आगे बढ़ाते जाओ, अंडर रूट बच्चों बोलो 2m वी, ये वी वोल्टेज वाला है, और क्यू बी स्क्वायर बराबर आया एल बाई टू, सही है ना? हाँ, ऐसे देखते रहो, लास्ट वाला रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होगा। फिर आप लिखोगे 2m ना, फिर आप लिखोगे 2v अपान अल्फा बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई फोर,
राइट। बच्चों फिर हमारा सवाल अब आया स्पेसिफिक चार्ज, जो काम की बात है जिसे हम आपको बताना चाह रहे थे, वो डेरिवेशन के बाद लिखा जा रहा है। स्पेसिफिक चार्ज का मेरा मेन मोटिव था, तो स्पेसिफिक चार्ज अल्फा बराबर हुआ 8V/B² और L², ये है रिजल्ट 8V/B² L². आप देखोगे ये आपके पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऐसे ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन बच्चों को टिक करना था। अब ये स्पेसिफिक चार्ज है, हमने जो आज सवाल आपसे अभी पूछ रहा था बच्चों, वो मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा था कि जेई मेंस का सवाल है और उसमें लिखा कि अगर डिफ्लेक्शन डबल हो जाए तो स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, तो अगर डिफ्लेक्शन डबल हो जाए तो स्पेसिफिक चार्ज 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन और स्पेसिफिक चार्ज इनवर्स स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर है, तो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू 1/L². अब इसे क्या करोगे, आप एक पेज में लिख के और दो तीन बार आज ही देख लेना, तो ये दिमाग में रहेगा, क्योंकि अगर इतना डेरिवेशन करना पड़ा तो टाइम किल हो जाएगा, और ये हमें पता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे मान लो हमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का मास रेशियो चाहिए, अब उसमें दोनों आयन है, दोनों का क्यू तो बराबर है, सोडियम प्लस वन पोटेशियम प्लस वन, हाँ दोनों का चार्ज तो बराबर है, अब केवल हमें मास की बात करनी है। तो बच्चों कुछ बात समझो, अब यहाँ पे भी अ फार गिवन चार्ज, फार गिवन चार्ज मतलब क्यू कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है तो क्यू को छोड़ दो, अब केवल अल्फा का मान आएगा, क्यू अपान यम आएगा, है ना, तो फिर यम किस पे डिपेंड कर जाएगा, यम प्रोपोर्शनल टू L² उल्टा है, अगर स्पेसिफिक चार्ज है तो 1/L² और मास है तो L², तो मास ऑफ आयन डिफ्लेक्शन पे ऐसे डिपेंड करेगा। और आप यहाँ से अगर यम का मान निकालना चाहें, निकाल लेते हैं, हाँ स्क्वायर करो और यम का मान बता दो, एम बराबर क्यू B² / 8L² भी होगा क्या, L² / 8V² सही है, हाँ सही है, ये बात हो गया, उसमें V और इसमें V, डायरेक्ट और इनवर्स, उसमें डिफ्लेक्शन इसमें डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट और इनवर्स। बच्चों कोई सवाल जेई मेंस में, कोई सवाल नीट में, दोनों पूछा जा चुका है, मैंने पूरी कहानी एक्सप्लेन कर ली। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सपेरिमेंट है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 16 है किताब में, नहीं किया है कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपने देखा जो ज़रूरत की बात थी वो हमने लिख लिया। अब एक बार इन्फॉर्मेशन लास्ट में मैं अगर बोलूँ और आप बता दो तो फिर आगे बढ़ा जाए, फिर एक रिजल्ट ही बताएंगे, सवाल अब देने का समय नहीं है। अब आप एक बार और बताना, फॉर गिवन चार्ज ये जो प्रैक्टिकल किया था किसने किया था, इसको किया था जे थॉमसन, पढ़े हैं ना, उसने प्रैक्टिकल किया था, आपको पढ़ाया गया है उसमें कि चार इलेक्ट्रॉन का ई अपान यम नहीं बदलता, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का ई बाई यम नहीं बदलता, कैसे जान गए, स्वप्न देखे थे, हाँ अल्फा बाई अल्फा ही तो निकाले थे ना, क्यू बाई यम, तो क्यू बाई यम ही तो है ना ई बाई यम, तो अल्फा का मान निकाला था जे थॉमसन ने यहाँ पे, और उसके बाद उसको हर बार कांस्टेंट आया, तब उसने लिखा था कि ई बाई यम नहीं बदलता।
तो ये एक्सपेरिमेंट जे जे थॉमसन का था। जब ई बाई एम टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे, तभी वहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन बताई जाएगी। हाँ, तो अब आप लगे ने ई बाई एम पढ़ा था, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे उनको पता चला कि ई बाई एम क्या है और उसकी वैल्यू जो आया था वो कैसे आया था। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर गिवन चार्ज, फॉर गिवन मास, नहीं फॉर गिवन चार्ज, फॉर गिवन चार्ज मास प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन का स्क्वायर। और ये मास क्या है, मास ऑफ आयन। हमारे जो सिलेबस में है ना वो यही है, जो किताब में है वो इतना ही पॉइंट लिखा गया है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज अल्फा प्रोपोर्शनल टू वन अपान अल्फा प्रोपोर्शनल टू वन अपान डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का स्क्वायर। बच्चों ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल लेने के बजाय एक आर्टिकल और पढ़ाते हैं, एक टाइम के हिसाब से एक कहानी और समझा दूं, तब न्यूमेरिकल लिया जाए एक साथ। आर का मान आता ही है एम वी अपान क्यू वी। अभी आपने जब पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो जो चार्ज पार्टिकल आपने फेंका है वो कैसे फेंका था, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर। कोई ज़रूरी है क्या है कि 90 डिग्री फेंको, हम किसी एंगल पे फेंक दें। अब मेरा अगला सवाल है कि चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक दिया जाए, जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैं अगला आर्टिकल ले रहा हूँ, एंगल बिटवीन, ऐसे लिखो फॉर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी इज थीटा। मतलब पार्टिकल प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखा है कि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये थीटा एंगल कहाँ से बना है, थीटा एंगल कहाँ से बना है, हाँ बता रहे हैं अर्थ से बना है। अरे कुछ तो बताओ, एंगल कहाँ से लोगे, आज कौन है जिम्मेदार चलाने वाला, तो जो जिम्मेदार है उसी के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि थीटा किससे लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड से लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल है। देखो जब भी ये दिमाग में अपने बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो, जब भी एंगल आए तो मन में ज़रूर ये सोचो कि ये एंगल कहाँ से है, 90% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो थीटा हमने जब लिखा तो वो कहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड से है। बच्चों लोग अब सुनो, इधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और ये चार्ज पार्टिकल है, इसको मैंने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर। अब इस वी के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन कंपोनेंट हो गए, हाँ इधर वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा। अब इसको घुमाने वाला वी कॉस थीटा तो है नहीं,
क्योंकि वी कॉस थीटा के डायरेक्शन में तो फोर्स जीरो है, और अगर फोर्स जीरो है तो उधर की वैल्यू तो कभी बदलेगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझ आ गया कि भाई वी कॉस थीटा तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो बदलना ही नहीं है, ये कॉन्स्टेंट हो गया। और वी साइन थीटा इसको सर्कल में घुमाएगा, अब वी साइन थीटा सर्कल में घुमाएगा, और जब सर्कल में घुमाएगा तो ऐसे तो घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, टकराया, फिर घूमा, फिर टकराया, फिर घूमा, फिर टकराया, ऐसे चलता जा रहा है, क्योंकि वी कॉस थीटा उसको आगे दौड़ाएगा, घुमाएगा और आगे दौड़ाएगा। अब यहाँ पर मैंने ऐसे अगर फेंक दिया तो पार्टिकल घूमते 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 चला जाएगा, वी कॉस थीटा उसको आगे खींच रहा है और हर बार टकरा भी रहा है। देखो जैसे टी बराबर जीरो पे आया तो यहाँ पर टकराया टी टाइम पर, यहाँ पर टकराया टू टी टाइम पर, यहाँ पे टकराया थ्री टी टाइम पर, तो कितने कितने समय बाद टकरा रहा है, हैं? क्या बोले जी, ऐसे बोलते धीरे से कि खुद भी नहीं सुन पाते होगे। ऐसी बात बोला करो क्योंकि जब बोलते हो तो आप बोलते भी हो सुनते भी हो, हाँ, और जब खुद ना सुनो तो बोलने क्या मतलब है, तो ऐसे बोलो कि सुन भी लो और हम भी सुन लें। अब ये टी टू टी थ्री टी टाइम पर ये टक्कर ले रहा है बराबर बराबर टाइम पे, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। और बच्चों कोई चीज़ बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर टाइम में आगे की तरफ चल रहा है और बराबर बराबर दूरी चल रहा हो, तो बराबर बराबर दूरी चल रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, पिच। क्या कहते हैं, पिच। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पिच क्या है, पिच, तो पिच होगा पी बराबर हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। अब पिच एक नया टर्म आ गया, पिच। अब इसमें पहले तो कैपिटल टी निकालोगे ना, अब कैपिटल टी निकालेंगे तब उधर फिर लिखेंगे। बच्चों लोग अब इधर बताओ भाई, सब लोग पहले ऑर्बिट का रेडियस बता दो, ऑर्बिट रेडियस। हाँ, ऑर्बिट रेडियस माने आर, आर बराबर होगा एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी, क्योंकि उसको सर्किल में घुमाने का काम तो वर्टिकल स्पीड का है, और टाइम पीरियड का काम, टाइम पीरियड जब निकालना है तो आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बस घूमना चाहिए कोई भी वेलोसिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो इस बार वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ज़रा देखते हैं क्या मतलब है क्या। अब आप लिखोगे टी बराबर टू पाई आर, और जो स्पीड इसको घुमाएगा वो वी साइन थीटा है, बराबर आया टू पाई एम अपान क्यू वी। हाँ, कोई मतलब नहीं है, मतलब अब दो चीज़ साफ हो गया कि टाइम पीरियड इज नॉट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड इज नॉट फंक्शन ऑफ एंगल। दो बातों पर डिपेंड करेगा, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और ना तो एंगल पर डिपेंड करेगा। अब सवाल आया पिच का मान क्या होगा, तो पिच का मान होगा वी कॉस थीटा इंटू टू पाई एम अपान क्यू बी। ये हो गया। बच्चों इधर जरा एक बात समझ लो, देखो जब चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मान लो कि ये प्लेन एक्स वाई है, तो पार्टिकल जो यहाँ से चला
यहाँ से चला ऐसे चलेगा, ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये घुमा देगा और ये और एक कंपोनेंट आगे ले जाएगा, इधर वाला वी कॉस थीटा है और इधर वाला वी साइन, जगह नहीं है ऐसे कर दो, इधर वी साइन थीटा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अब पार्टिकल वैसे वैसे बना दिया है कैजुअली, ऐसे ऐसे चलेगा और उसको थोड़ा सही से बनाया। ये पार्टिकल जब यहाँ से चलेगा ना तो ऐसे आ रहा, फिर ये आ रहा, फिर घूम के अंदर से ये आ रहा, फिर घूम के अंदर ये आ रहा, फिर घूम के अंदर ये आ रहा, फिर ये आ रहा, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, ऐसे जा रहा है और इसका पाथ है हेलिकल। कैसा पाथ है? हेलिकल पाथ। और इस हेलिकल पाथ को कहा जाता है हेलिक्स। तो क्या बनाता है? हेलिकल पाथ। ऐसे ही घूमते हुए चार्ज पार्टिकल बच्चों ऐसे घूमते हुए चला जाएगा सिविल लाइन तक, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ तक चला जाएगा। इसका यूज हम लोगों ने सबसे पहले किया था टीवी देखने के लिए, पिक्चर ट्यूब। पहले जब पुराना वाला जो टीवी अगर किसी के पास होगा तो उसको जब जलाते थे, जलाते नहीं चलाते थे, जब टीवी चलाते थे तो पहले आवाज़ आता था और बाद में लाइट आता था, क्योंकि आवाज़ तो आ गया। और ये जब पहले सारे इलेक्ट्रॉन चल के उसके ऐसे खट 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 टकराते थे और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी तो उस पर ग्लो चमक आता था, जब चमक आता था तब लोगों का चित्र छपता था, तो इसलिए पहले उसमें आवाज़ आती थी बाद में चित्र बनता था। आवाज़ वाला मेथड थोड़ा बदल गया है, ये जो पढ़ रहे हैं आपका पुराना वाला मेथड है, पिक्चर ट्यूब, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या आजकल जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं कि हार्ट बीट दौड़ रहा है चल रहा है, उन सब में यही सब लगा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन का ये हेलिकल मेथड होता है, हेलिकल मोशन है, इसी से वो ग्राफ बनाता है, उसी से वो तमाम चीज़ों को जनरेट कर रहा है। तो अभी बस इतना जानना था कि हेलिकल पाथ क्या है और पिच क्या है। बच्चों ये दूरी जो है यहाँ पे, ये दूरी क्या हो गई? पिच। ये पिच है। तो उस चित्र को ऐसे समझने के लिए मैंने बनाया, आप ऐसे समझा। अब आपको एक सवाल मैं दे दूँ, अभी आपके केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए हैं, अभी थोड़ा तब तक पढ़ो, अभी ये घड़ी ख़राब है ना तो 15 मिनट लेट निकलती है। अभी अभी एक सवाल देंगे तब वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी जल्दी। इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड है, बी का मान 0.5 टेस्ला, और किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका और स्पेसिफिक चार्ज है 1 किलोग्राम पर कूलाम और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और जिस एंगल पे फेंका है वो एंगल है 60 डिग्री। आपसे सवाल में पूछा गया ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, पिच क्या होगा। तो पहले रेडियस, फिर टाइम पीरियड, फिर पिच निकालो। रेडियस, टाइम पीरियड और पिच, ये तीनों बात निकाल दो तब आज की क्लास यहीं रोकी जाएगी। बच्चों आप लोगों का मैकेनिक्स की जो क्लास है अब अभी इस हफ्ते के बाद चलेगी, इस हफ्ते तक का थोड़ा शेड्यूल यही है, मैकेनिक्स में रोटेशन पढ़ाना है सबको, जितने लोग आई टी बैच छोड़ के बाकी सबको पढ़ना है, सब पढ़ाएंगे, एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, एग्ज़ाम तक पढ़ते रहना, जितना नज़दीक आएगा उतना कंसंट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका ही उल्टा है। आप एग्ज़ाम के नज़दीक रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें चल रही हैं जो एकदम बिल्कुल दिमाग में छपती जा रही हैं, क्योंकि आप अच्छे हो जाते हैं ना, और अच्छे बच्चों को पढ़ाने की मेरी आदत है, तब आप शांत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और तब मेरा मन करता है पढ़ाने का, और जब तक उथल पुथल रहता है तब तक मेरे को लगता है कि टाइम पास करा दो, इसीलिए लास्ट